देखो स्टार्टाफिकेशन क्या होता है स्टार्टा एक्चुअली मीन्स लेयर्स तो जहां सोसाइटी के अंदर लेयर्स की बात आएगी तो आप बोल सकते हो सोसाइटी को कुछ किन ही बेसिस पे अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया होगा फाइन तो अलग लेयर्स होती हैं प्रेजेंट सोसाइटी में एंड मोबिलिटी इज योर आप एक लेयर से दूसरे लेयर में क्या जा सकते हो दैट मीन्स येस मोबिलिटी इज प्रेजेंट अगर आपके लिए एक लेयर से दूसरी लेयर में जाना इज नॉट uh, जो है पॉसिबल इन अ सोसाइटी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोसाइटी दैट यू लिव इन दैट मीन्स की मोबिलिटी वहां पर प्रेजेंट नहीं है जैसे हम सोसाइटी को डिवाइड करें अगर क्लास या कास्ट बेस्ड पे हम सोसाइटी को डिवाइड करें तो कोई आपके सो कॉल्ड हाई कास्ट हैं कोई आपके सो कॉल्ड मिडिल रेंज में आते हैं कोई आपके लो कास्ट हैं ठीक है अगर हिंदू सोसाइटी की बात करें तो ब्राह्मण क्षेत्रियाज वेशन शूद्राज पे डिवाइड है आपकी सोसाइटी तो ये क्या है एक्चुअली प्रोसेस ऑफ स्टार्टिफिकेशन ही है कास्ट बेस्ड स्टार्टिफिकेशन जहाँ कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड किया गया है ठीक है और क्या एक वेशिया जो है वो शूद्र वो क्षेत्रीय बन सकता है कि नहीं एक शूद्र जो है वो वेशिया बन सकता है कि नहीं ये रिलेटेड है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी से तो सिंपल सी बातें इसमें बताई हैं ज्यादा कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं है कुछ सिंपल uh, डेफिनेशन जो हमें पहले देखनी है सिंपल कॉन्सेप्ट उसके बाद कोई थियरीज इसमें uh, जो फंक्शनलिस्ट वगैरह ने दी थी या पर्सपेक्टिव वाली वो हमें डिस्कस करनी है ठीक है हम कितना भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को हम प्रमोट करें और बोलें इक्वालिटी हर जगह प्रेजेंट है करंट सोसाइटी में पर ऐसा नहीं है इन इक्वालिटी हमें अभी भी देखने को मिलती है अगर इस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आप करंट की इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो क्योंकि आए दिन आ, होता है हमारी इसमें सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसे केस आ जाते हैं जैसे कोई सो कॉल्ड लो कास्ट दलित जो है वो कोई घोड़ी चढ़े थे शादी के लिए तो उनको वहां पे मारा गया था इन फैक्ट दैट रिजल्टेड इन हिज डेथ कि वो एक दलित होकर वो कैसे घोड़ी चढ़े थे ठीक है तो ऐसे जो इंसिडेंसेस हैं अगर आपके इफ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंसेस तो यू कैन राइट द इन योर आंसर्स कि हाँ कहीं ना कहीं प्रेवलेंट है बट डू रिमेंबर ऑलवेज एंड योर आंसर इन ए पॉजिटिव नोट और आपसे एक्सपेक्टेड किया जाता है कि आप एक ब्यूरो ब्यूरोक्रैट भुरुक्रा, बनने वाले हैं आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करें और ओवरऑल एक पॉजिटिव जो है वो आउटलुक अपने आंसर्स के थ्रू प्रेजेंट करें आपको सिर्फ ग्रे एस्पेक्ट्स पे जो है ध्यान नहीं देना है सोसाइटी की आपको अपना आंसर जो है वो पॉजिटिव बनाना है ठीक है फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं ये कहते हैं जो स्टार्टिफिकेट फंक्शनलिस्ट को आपको पता ही नहीं सोसाइटी के हर चीज को फंक्शनल कहा था तो इनका स्टार्टिफिकेशन का भी यही मानना था कि स्टार्टिफिकेशन भी फंक्शनल है क्योंकि स्टार्टिफिकेशन में क्या होता है सोसाइटी में अलग अलग लेयर्स में आप डिवाइड करते हो तो ये इनएविटेबल है मीन ये होगा ही होगा क्योंकि हर लेयर के जो काम है वो अलग ग्रुप करता है फाइन जैसे अगर आप आ, इसमें एग्जाम्पल ले लो फॉर एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी की आप एग्जाम्पल ले लो उसमें कहीं आपके हरारकी में डिवाइडेड होंगे ना कहीं आपके टॉप नॉच ऑफिशल होते हैं फिर उनके लोअर उनके जूनियर junior, उनके जूनियर्स ठीक है तो ये सारा इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि ब्यूरोक्रेसी एज अ सिस्टम जो है वो सर्वाइव कर पाए तो सोसाइटी में भी अगर ये ऐसे स्ट्रैट अलग अलग स्ट्राटा प्रेजेंट है अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट है ये इसीलिए है क्योंकि हर लेयर अपना एक जो उसके आ, उसके अकॉर्डिंग का जो काम है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग का काम है वो काम परफॉर्म करती है और सोसाइटी एज अ होल को सर्वाइव करने में हेल्प करती है ठीक है तो इन्हें कहा था स्टार्टिफिकेशन इनएविटेबल है और ये बेनिफिट करता है सारे मेंबर्स को बाय फैसिलिटेटिंग एंड एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर ठीक है डिवीजन ऑफ लेबर एफिशिएंट वो क्या मतलब हुआ यही कि हर काम जो है वो स्पेशलाइज है डिफरेंशिएटेड काम है और अपनी कैपेबिलिटी अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग काम जो है वो अलॉट किए गए हैं अलग को लेकिन ऑब्वियसली ये मानना बाकी का नहीं था क्योंकि एक नैरो व्यू लिया है इन्होंने स्टेटिफिकेशन का कॉन्फ्लिक्ट थे कहते हैं जो डोमिनेंट ग्रुप्स है उनकी चाल है ये सारा ये नैरेटिव क्रिएट करना और सोसाइटी को स्टेटिफाई करना ताकि वो हमेशा एक क्रीम पोजिशन पे रहे और सारे जो प्रिविलेजेस हैं वो ले पाए सोसाइटी से ठीक है क्रिएट करता है बॉटम uh, और इट नॉट मैक्सिमाइज द गुड ऑफ सोसाइटी ओनली टॉप ठीक है अब कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें लिखी हैं देखो अब आप बोलोगे डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं सोसाइटी में ठीक है वो डिफरेंसिस किसके बेसिस पे है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स वेल्थ स्किल्स कलर स्टेटस पावर जोग्राफी ठीक है इनके बेसिस पे सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस या तो नेचुरल भी हो सकती हैं, जैसे आपकी जेंडर के बेस पे डिफरेंसेस हो गई या कलर के बेस पे डिफरेंसेस हैं, ये नेचुरल है कुछ मैन मेड है जैसे वेल्थ स्किल्स स्टेटस पावर के बेसिस पे ये मैन मेड डिफरेंसेज हो गई लेकिन अब आप क्या अब ये डिफरेंसेज हम स्टार्टिफिकेशन की तरफ कैसे जाते हैं अब आप क्या कर हो डिफरेंसेज नेचुरल है लेकिन आप डिफरेंस को इवेलुएट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फीरियरिटी और सुपीरियोरिटी ठीक है आप क्या कर रहे हो ऑल हमें पता है जेंडर बेस्ड जो है सेक्स के बेसिस बेस पे बेस सोसाइटी में हमारे पास दो जेंडर्स आते हैं एक बॉयज हो गए एक गर्ल्स हो गए ये नेचुरल है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो नहीं लेकिन आप सोसाइटी में क्या कर रहे हो आप इसको इवेलुएट कर रहे हो आप किसी एक जेंडर को सुपीरियर बोल रहे हो किसी एक जेंडर को इन्फीरियर बोल रहे हो दैट मीन्स आप उसको ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियॉरिटी और इनफीरियोरिटी इवेलुएट कर रहे हो इससे क्या हो जाएगा एक इनिकवालिटी क्रिएट हो जाएगी और इसी इन का जो पैटर्न है वो हम समझते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिफिकेशन स्टार्टोफिकेशन अब क्या हुआ जिसमें किसी एक हायरार्की में प्रेजेंट होंगी दैट मीन एक ऑर्डर होगा एक रैंक होगा आप किसी को हाई रैंक दे रहे हो किसी को लो रैंक दे रहे हो ठीक yeah. है डिफरेंसिस है नेचुरल हो या मैन मेड हो प्रेजेंट है तो आप उनको एज इट इज नहीं छोड़ रहे हो आप उन डिफरेंसेज को इवाल्युएट कर रहे हो किसी को सुपीरियर फॉर एक्जाम्पल आप व्हाइट अगर बॉयज गर्ल्स एग्जाम्पल की छोड़ दें यहाँ पे हम व्हाइट्स लिख दें और यहाँ पे ब्लैक्स लिख दे ये प्रेजेंट है नेचुरल डिफरेंस है लेकिन आप किसी एक चीज को सुपीरियर बोल रहे हो किसी एक कलर को आप इन्फीरियर बोल रहे हो दैट मीनस कहीं ना कहीं आप इनइक्वालिटी लेके आ रहे हो इसी पैटर्न को हम समझते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल स्ट्रटिफिकेशन फाइन ये डिफरेंस नेचुरल मैन मेड बट सच डिफरेंस रेयरली रिमेन डिफरेंसेज सोसाइटी उनके साथ वैल्यू अटैच करती है इन टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी इन्फीरियरिटी डिजायरेबिलिटी अनडिजायरेबिलिटी एंड सो ऑन अटैचमेंट ऑफ वैल्यू से क्या होता है इवेल्यूएशन ऑफ डिफरेंस हो जाती है सोशल डिफरेंसेस नाउ नो लॉन्गर रिमेन डिफरेंसेस लेकिन अब वो इन बन गई अभी तक लड़का लड़की अलग है हाँ है ये है सोसाइटी में नेचुरल डिफरेंस है लेकिन जब आप बोलोगे कि लड़के सुपीरियर है लड़कियों से दैट मींस अब इनइक्वालिटी बन गई वो वाइल्ड जो डिफरेंसेज आर क्रिएटेड बाई मैन मैन क्रिएट्स इन इक्वाल वाइल्ड दो डिफरेंसेज आर क्रिएटेड बाई नेचर अगेन जैसे कलर या जेंडर की एग्जाम्पल लेकिन मैन जो है वो उसमें इनइक्वालिटी क्रिएट करता है उसको रैंक करके उसको इवेल्युएट करके इन टर्म्स ऑफ डिजायरेबिलिटी अनडिजायरेबिलिटी और सुपिरटी इन्फीरियरिटी दस जो सोशल इनइक्वालिटीज है दे कम इन टू एग्जिस्टेंस इन टू एवरी सोसाइटी ये जो इनइक्वालिटीज है दे आर कल्चर स्पेसिफिक हर कल्चर में अलग टाइप की होंगी किसी कल्चर में आप किसी को लो रखोगे तो किसी कल्चर में आप दूसरे कल्चर में उस चीज को हाई रख सकते हो तो कल्चर स्पेसिफिक हो गई दीज आर इनइक्वालिटीज अकर इन स्पेसिफिक पैटर्न जिसको हम समझते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन स्टार्टिफिकेशन एक प्रोसेस है इनमें सोशल इनइक्वालिटीज एक्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल हायरिकल स्ट्रेटा एक स्ट्रक्चरल हायरारिकी बन गई क्योंकि आपने क्या किया इसको ऑर्डर करने लगे आप किसी को आप हाई पे रखने लगे फिर मिडिल आ गया बीच वाला उसके बाद लो लोअर आ गया फिर लोएस्ट आ गया तो आप उस सारे को इन टर्म्स ऑफ इनइलिटीज एक हायरिकल ऑर्डर में रखते हो उसको आप समझते हो उसको आप बोलते हो द प्रोसेस ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन इसको सथरल मैक्सवेल ने डिफाइन किया था एज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंसिएशन विच प्लेसेज सम पीपल हायर देन दी अदर्स ठीक है तो काफी सिंपल बेसिक सी चीजें समझने के लिए रॉकेट साइंस नहीं है स्टार्टिफिकेशन इज व्यूड एज ए सोशल प्रोसेस सोशल फिनमिना एज वेल एज अटल कंस्ट्रक्ट एक मेथड भी है जो ने डिवाइस किया था अंडरस्टैंड करने के लिए को ठीक है एक सोशल प्रोसेस जो सोसाइटी में चलता है फिनोमिना और एक मेंटल कंस्ट्रक्ट भी है या एक मेथड भी है जो सोशलॉजिस्ट यूज करते हैं देखने के लिए सोसाइटी में इन किस हद तक है उसके लिए वो एक मेथड स्टार्टिफिकेशन को यूज भी करते हैं एज अ सोशल प्रोसेस आप देख सकते हो स्टार्टिफिकेशन के चार सब प्रोसेस है ठीक है और ये प्रोसेस हमने जो है अभी पढ़े हैं अब बस यहाँ पे इसको अलग-अलग करके कैटेगरीज में लिखा हुआ है पहले क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन हो रही है चाहे वो नेचुरली या सोशली एग्जिस्ट करती है जो डिफरेंसेस सोसाइटी में ठीक है आप उनको क्या कर रहे हो पहले आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो या कलर के बेसिस पे हो या वेल्थ के बेसिस पे हो ठीक है या यहां पे जो पॉइंट्स दिए थे स्किल के बेसिस पे हो पावर के बेसिस पे हो दैट मीन चाहे वो नेचुरल हो या सोशल हो वो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में तो पहला प्रोसेस क्या आ गया प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन ठीक है उसके बाद आप क्या कर रहे इवेलुएट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ फीलिंग इन टर्म्स ऑफ सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी इससे क्या हो जाता है उसकी इवेलुएशन हो रही है कोई चीज सुपीरियर है कोई चीज इन्फीरियर है किसी एक जेंडर को किसी एक कलर को आप एक कैटेगरी में डाल रहे हो और दूसरे जेंडर और दूसरे कलर को आप दूसरी कैटेगरी में डाल रहे हो फिर आप उसकी रैंकिंग कर अब आपने कैटेगराइज किया अब आपने वाइट्स को एक कैटेगरी में डाला है गर्ल्स को या ब्लैक्स को एक कैटेगरी में डाला है अब आप उसको रैंक कर रहे हो आप व्हाइट को वन रैंक दे रहे हो ब्लैक को टू रैंक दे रहे हो ठीक है उसके बाद रिवॉर्ड कर रहे हो अब जो जिसको आपने हाई रैंक किया है उसको अकॉर्डिंगली वैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सोसाइटी में उसको वैसा ही एक्सेस मिल रहा है टू तो सोशल रिसोर्सेज सोशल रिसोर्सेज और उसको अकॉर्डिंगली वैसे ही प्रिविलेजेस मिल रहे हैं सोसाइटी में ठीक है तो आप उसको आप रिवॉर्ड कर रहे हो दैट मीन्स किसी को आप पॉजिटिव रिवॉर्ड कर रहे हो और जो रह गया उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है उसको काइंड kind ऑफ of, आप बोलोगे पनिशमेंट ही टाइप ऑफ मिल रही है ठीक है तो डिफरेंशिएशन इवैल्यूएशन के बाद सोसाइटी डेवलप करती है सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्ट्रेटा एक स्ट्रेटा को आप अलग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं दूसरे जो स्टेटा को बिलोंग करता है उसको पनिशमेंट मिल रही है ठीक है तो ये इसके सब प्रोसेस आ गए पहले नंबर पर हो गया डिफरेंशिएशन

टीबी बोटोमोर एक नाम है इंपॉर्टेंट नाम उन्होंने क्लासीफाई किए थे फोर फॉर्म्स ऑफ क्लासिफाई किया था इसको स्टार्टिफिकेशन को चार फॉर्म कि चार बेसिस पे स्टार्टिफिकेशन थी सोसाइटीज में पहला हो गया स्लेवरी है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन है अब देखो स्लेवरी जो है उसमें और सिटीजन में और स्लेव्स में क्या डिफरेंस था सिटीजन्स के पास राइट्स थे सिटीजनशिप राइट्स थे वाइल जो स्लेव थे डे डेंट इनके पास राइट्स ही नहीं थे दैट मीन जो इनकी एक्सप्लॉयटेशन थी उसको ओवरलुक किया जाता था एक्सप्लॉटेशन को ओवरलुक किया गया और इनपे कोई ध्यान आप नहीं दे सकते थे वो कुछ डिमांड नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी कोई राइट्स नहीं थी ठीक है सेकेंड आ गया स्टेट सिस्टम आपका स्टेट सिस्टम मैंने आप अगर याद करोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हमने पढ़ा था इसमें आपके पे क्लर्जी थे फिर आपके नोबल्स थे जिसमें आपके लैंड ला, लॉर्ड्स या फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह आते थे और लास्ट में आपका कॉमनर था जिसमें आपके सर्फ्स वगैरह प्रेजेंट्स वगैरह आते थे ठीक है तो ये एस्टेट सिस्टम था आप इसमें इसको डिवाइड करते थे एस्टेट लैंड को बोला जाता था यहाँ का सिंपल इंडिया का अगर आप इसे एनालजी ड्रॉ करो तो जमींदारी सिस्टम ये भी फॉर्म ऑफ स्टार्टिफिकेशन था जो डेवलप हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था यूरोप में सेवेंथ सेंचुरी एंड लास्ट सेटिल सेवेंटीन सेंचुरी तक ये प्रेजेंट रहा था ठीक है तो जो फ्यूडल थे आल्सो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे क्लर्जी एंड फ्यूडल लॉर्ड्स और नोबिलिटी एज अ थ्री एस्टेट्स क्लर्जी आपके थे प्रीस्ट वगैरह उनको बोलते थे द ड्यूटी ऑफ द क्लर्जी इज टू प्रे ठीक है उसके बाद द ड्यूटी ऑफ नोबिलिटी क्या कहा जाता था इज टू फाइट एंड कॉमन इज टू पे टैक्सेस तो नोबिलिटी वर ऑर्डेन टू डिफेंड ऑल क्लर्जी टू प्रे फॉर ऑल एंड कॉमनर्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल ये इनका कहना था तो इसमें जो कॉमनर्स थे जिसमें आपके सर्वस आते थे उनको काफी ज्यादा एक्सप्लोय किया जाता था तो ये भी काइंड ऑफ स्टार्टिफिकेशन सिस्टम था जिसमें सोसाइटी ऐसे स्टार्टिफाइड थी थ्री लेयर्स में ठीक है उसके बाद कास्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन जो आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हो ये हमें पता है इसमें इंडिया में क्या बोला जाता है चार कास्ट में डिवाइडेड है सोसाइटी या आपके ब्राह्मण गए या आपके क्षेत्रियाज गए पूरी स्पेलिंग में नहीं लिखूंगी यहाँ पे आपको पता ही होगा वेशवाज आगे एंड लास्ट में आपके आ आगे लास्ट कैटेगरी देखते हैं सोशल क्लासेस दो देव एग्जिस्टेड फॉर लॉन्ग लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था एस्टेट सिस्टम जो यूरोप का था वहां से अलग अलग क्लासेस आई थी जैसे कॉमनर्स में आपके सर्वेंट्स वगैरह वो क्लास थी फिर नोबिलिटी के अंडर भी और सारी क्लासेस आई थी उसके बाद आपकी प्रीस्टली क्लासेस थी वहां से ऑरिजिनेट हुई थी बोला जाता है कॉन्सिक्वेंस है, इकोनॉमिक फैक्टर्स का ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली जब इकोनॉमिकली कोई एक क्लास ज्यादा एफ्लुएंट बन गई तो अकॉर्डिंगली आपके जो क्लासेस हैं वो Uh, और ज्यादा इमर्ज होते गए जैसे कास्ट सिस्टम को आप किसके साथ रिलेट करते हो बर्थ के साथ करते हो ठीक है वो एस्क्रिप्टिव सिस्टम है बेस्ड ऑन बर्थ वो जो क्लास सिस्टम है उसको आप किसके साथ रिलेट करते हो आपका इकोनॉमिक सिस्टम के इकोनॉमिक फैक्टर के साथ तो इसमें हमें अलग थिंकर्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो हम स्टैटिफिकेशन थियोरीज में डिस्कस करेंगे मार्क्स ने क्या कहा था मार्क्स का हमने कर लिया है क्लास एंड इन कॉन्फ्लिक्ट इनके कॉन्सेप्ट में और वेबर ने भी हमें चार क्लासेस दी थी ठीक है और इनका व्यू हम आगे देखेंगे थियरी ऑफ तो स्टार्टिफिकेशन में तो टीबी बोटोमोर के चार सिस्टम कौन से थे स्लेवरी एस्टेट कास्ट एंड क्लास आगे देखते हैं इक्वालिटी एंड इक्वालिटी हमें पता है इन इक्वालिटी क्या होता है इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है फिर भी देखते हैं आप सर ने क्या लिखा है जीडी डी बर मैंने सजेस्ट किया था दैट आउट ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेसेस जो नेचुरल होती है यूनिवर्सल होती है फिनोमिन यूनिवर्सल फिनोमिना है इनइक्वालिटी और सोशल इवेलुएशन ऑफ डिफरेंसेस अराइजेस ठीक है ये हमें क्लियर हो गया है पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू तो सोशल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटीज जब इक्वल एक्सेस नहीं होगा रिसोर्सेज का अब वो कौन से रिसोर्सेज हैं वो पेरी बर्डियो के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक कैपिटल कल्चरल कैपिटल सोशल कैपिटल एंड सिंबॉलिक कैपिटल जब इन सारे रिसोर्सेज का सबको इक्वल एक्सेस नहीं

इसी चीज को पॉइंट आउट करता है कि सोशल इनइक्वालिटीज है वो एग्जिस्ट करती हैं या सोशल कैपिटल इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क एंड सोशल एसोसिएशन वगैरह इसमें भी काफी इनइक्वालिटीज प्रेजेंट है एंड कैपिटल लाइक सोशल स्टेटस एंड गुड रेपुटेशन तो आपका इकोनॉमिक कैपिटल अच्छा होना चाहिए कल्चरल कैपिटल सोशल कैपिटल तभी सिम्बॉलिक कैपिटल जो है वो आपके पास होगा तो इन सब इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज कैपिटल्स हमारे पास क्या है इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ़ एक्सेस टू कैपिटल्स ठीक है तो उसकी वजह से भी सोशल सोसाइटी में होती है और फॉर्म्स ऑफ कैपिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली देखो जिसका सिंबोलिक जिसका कल्चरल कैपिटल अच्छा होगा उसी के चांसेस है इकोनॉमिक कैपिटल और सोशल कैपिटल अच्छा होने के एंड देन उसी का सिम्बॉलिक कैपिटल भी अच्छा होगा ठीक है ये इसमें यही चीज बोली गई है सोशल कैपिटल कॉन्सेप्ट जो है ओरिजिनली किसने दिया था जेम्स गोलमैन ने दिया था इसने डिस्क्राइब किया है द सम टोटल ऑफ रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स बोथ विदिन द फैमिलीज एंड आउटसाइड फैमिलीज बेसिकली आपकी ये कम्युनिटी चाहे वो इनसाइड फैमिली आपकी फैमिली या आउटसाइड फैमिली आपकी कम्युनिटी है उनका एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन ठीक है उनका रिलेशन वो सारा हम डिटर्मिन करते, है, करते हैं या डिफाइन करते हैं बाय द टर्म सोशल कैपिटल सोशल कैपिटल अगर आपका बॉन्ड अच्छा है स्ट्रांग है तो आपका सोशल कैपिटल भी जो है वो स्ट्रांग होता है इनफैक्ट जिनका इकोनॉमिक uh, कैपिटल जिनके पास है उनका भी सोशल कैपिटल होना जायज है क्योंकि आप देखो जैसे बॉलीवुड की आप लोगे वो इतनी सारी पार्टीज थ्रो करते हैं हैं क्योंकि उनके पास पैसे ये सब करने के लिए तो जब आप पार्टीज थ्रो करोगे आपका सोशल नेटवर्क अकॉर्डिंगली इतना बढ़ता जाएगा तो एक कैपिटल जो है वो दूसरे कैपिटल से रिलेटेड है और उस पर डिपेंड भी करता है ठीक है आगे देख लो अब इनक्वालिटी जो है दे एग्जिस्टेड लॉन्ग अगो दे हैव बीन स्टडीड इवन बिफोर द डॉन ऑफ सोशोलॉजी एज डिसिप्लिन सोशोलॉजी के लॉन्च होने से पहले भी इन इक्वालिटीज को देखा जाता था परखा जाता था पढ़ा जाता था रोसियो ने क्या किया था उन्होंने कहा था दो टाइंड ऑफ इन इक्वालिटीज है एक नेचुरल इनक्वालिटी होगी दूसरी मॉरल और पोलिटिकल इनईक्वालिटी हो गई नेचुरल इन होगी जो ऑन द बेस ऑफ एज हेल्थ हम सारे इनक्वल्स या अनईक्वल्स हैं हम सारे एज के अकॉर्डिंग हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग हमारी मेंटल एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमारी के अकॉर्डिंग सेकेंड इज य पावर एंड ऑनर के अकॉर्डिंग भी जो सोसाइटी में इन इक्वालिटी प्रेजेंट होती है इनइक्वालिटीज इन सोसाइटीज एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स लाइक इनकम पोलिटिकल इकोनॉमिक वेल्थ केपेबिलिटी एंड सोशल कैपिटल ठीक है हरलम्बस हॉल बॉर्न ने सारे जितनी भी इन प्रेजेंट है उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में जो है डाला था एक है आपका इन ऑफ पावर एंड एक है आपका इन ऑफ मटेरियल वेल तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर में लिख सकते हो ये मैं फालतू में फाल नहीं बोल रही हूँ जैसे आप रॉसियो का इसमें लिख सकते हो रॉसियो ने क्या कहा था इनक्वालिटी को लेकर या हरलम्बस एंड हॉल ने क्या कहा था इससे क्या होगा आपका आंसर एनरिच होगा क्योंकि सोचो आप इतने सारे थिंकर्स जो है एक सिंपल से इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में अगर आप इसका आंसर एक जेनरिक आंसर बनाओगे जो कोई भी लिख सकेगा या एक जी के पढ़ने वाले का आंसर बनाओगे आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा सोशोलॉजी so, में आपने वो थिंकर्स के नाम भी मैंशन किए होंगे और उनने क्या टाइप दिए थे वो भी मैंशन किए होंगे याद रखना सिंपल है एंड आपके लिए एक्स्ट्रा uh, मार्क्स भी लेके आएगा एग्जाम में ये जो इन इक्वालिटीज है दे बिकम रिप्रेसिव वेन दे आर रिजिडली इनफोर्स ठीक है वो कब रिप्रेसिव बनते हैं जब उनको जबरदस्ती यहाँ पे थोपा जाए जैसे कास्ट हो गया स्लेवरी बॉन्डेज अपनी कोई खुशी से किसी का स्लेव तो नहीं बनता ना ये जबरदस्ती स्लेवरी सिस्टम आया या बॉन्डेज सिस्टम वो बंदो मजदूर बनाना या कास्ट सिस्टम इन सब चीजों से क्या हो जाता है इन जो है वो रिप्रेसिव हो जाती है अदरवाइज जो इन इक्वालिटीज हैं सोसाइटी में प्रेजेंट होना ये एक नेचुरल चीज भी है ठीक है इनक्वालिटीज जो है वो मैक्रो लेवल पे भी है माइक्रो पे भी है मैक्रो पे भी है मैक्रो हो गया डिपेंडेंसी थेरी आपकी कहती है कि आ, ये जो रिच कंट्रीज है ठीक है जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हो गई ये ऐसी इकोनॉमी का इन्होंने अपना जाल बनाया है कि जो सारी कंट्रीज है वो इन पे डिपेंडेंट हो रही हैं ठीक है मार्क्स एंड पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको एक्सप्लेन करो तो वहां पे भी इन ग्लोबल लेवल पे भी है आपके फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस हैं थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं बिल्कुल ही पोअर डेवलप्ड नेशंस हैं ठीक है डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग और माइक्रो लेवल में एक सोसाइटी के अंदर भी प्रेजेंट है बहुत सारे बेसिस पे क्लास के बेसिस पे कास्ट के बेसिस पे ठीक है तो ये इन पावर के बेसिस पे अथॉरिटी के बेसिस पे तो ये सारी इन इक्वालिटीज प्रेजेंट है मार्क्स ने क्या कहा था इन इक्वालिटीज किस रीजन से आती हैं सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द अनइक्वल एक्सेस टू दोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ये हमें पता ही जहाँ पे मार्क्स है वहाँ इकोनॉमी की बात होगी कि जो रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है वो आपके हैव्स हैं और जो कंट्रोल हो रहा है वन इज कंट्रोल्ड वो आपके हैव है ठीक है ये मार्क्स का कहना था फंक्शनलिस्ट ने कहा इनक्वालिटीज जो है ये इनएविटेबल है और ये इंश्योर करते हैं सोसाइटी देखो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं इसकी फंक्शनलिस्ट का क्या मानना था फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोसाइटी की बात करें कि ऐसे भी काम होते हैं लो मीनियल जॉब्स भी होते हैं जो कोई आप नहीं करना चाहोगे मतलब अपने फुल सेंसेस में रह के तो कोई वो काम नहीं करना चाहेगा चाहता है हर कोई तरक्की चाहता है बेटर स्टेटस बेटर वेल्थ बेटर पावर चाहता है सोसाइटी में लेकिन वो वाले काम भी करना सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए आपको वो ग्रुप भी चाहिए जो वो काम कर पाए ठीक है तो मैं कोई एक प्रोफेशन का नाम यहाँ पे नहीं ले रही पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैं बस आपके समझाने के लिए बोल रही हूँ वो लो मीनल जॉब्स के लिए भी आपको यू आल्सो नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू परफॉर्म दोज काइंड ऑफ ड्यूटीज़ इसीलिए टू हैव दो ग्रुप ऑफ़ पीपल इन सोसाइटी इन इक्वालिटीज इन बिकम्स इनएविटेबल ठीक है एंड इट इज़ वेरी एंड इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट एक्जिस्टिंग इन सोसाइटी न हो जाए इन इक्वालिटी जो है रिजल्ट ऑफ अनईक्वल केपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड दे गेट अन इक्वल रिवार्ड्स फॉर दैट अब जिसमें फंक्शन का कहना है जिसमें वो केपेबिलिटी नहीं है कि वो हाई वो स्टेटस वाली जॉब कर पाए उसमें उतनी ही केपेबिलिटी है कि वो लो मीनियल जॉब्स ही कर पाता है तो इसके लिए इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन इस थॉट को निगेट किया गया कहे हार्मफुल है इंडिविजुअल के लिए डिसफंक्शनल है सोसाइटी एज अ होल के लिए और क्रिएट करता है मिसट्रस्ट और कॉपरेशन हार्मनी जो सोसाइटी की है वो डिस्टर्ब हो जाती है अलग अलग कुछ थिंकर्स ने अलग अलग बातें पे की थी आप देख सकते हो गोरन ने कहा था कि जो दे आर प्रोड्यूस एंड सस्टेन सोशली द सिस्टमिक अरेंजमेंट्स प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्शन इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव तो मतलब ये सारे सोसाइटी के आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं ठीक है एज वेल एज सोशल एक्शन आर दी दॉ ऑफ इट तो थर्ड पॉइंट जो है उन्होंने कहा डेल नॉट ओनली ऑन टू काजेज दो कॉजेज कौन से हमने यहाँ पे देखे सोशल एक्शन एंड स्ट्रक्चर उन्होंने कहा बट ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनइक्वालिटीज विच ही विच ही साइट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रीमेचोर डेथ इल हेल्थ ह्यूमिलेशन लॉस ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्सक्लूजन फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोशल लाइफ पावरलेसनेस एंड एवं डीह्यूमनाइजेशन ये सारी चीजें आपके इनईक्वालिटीज से रिलेटेड हैं क्योंकि ये सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके इनईक्वालिटीज के ठीक है तो ये सारी चीजें भी आप कहीं ना कहीं अपने आंसर से मैंशन कर सकते हो पीटर संडोर्स ने इक्वालिटी के बारे में बात की थी कहा था मल्टीफेरियस फिनोमेना है और उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मल और लीगल इक्वालिटी जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका राइट टू इक्वालिटी है ये कौन से आर्टिकल में चलो कमेंट्स में बताओ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ठीक है और इक्वालिटी ऑफ आउटकम ये सिंबल है ऑफ एन इग्लिटेरियन सोसाइटी इक्वालिटी ऑफ आउटकम का विच प्रोवाइड्स फॉर द इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ आउटकम एज वेल इर रिस्पेक्टिव ऑफ द एफर्ट्स पुट बाई देंबर्स तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हो गई वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी बट यू विल गेट अकॉर्डिंग टू योर नीड ये चीज मैंने आपको कार्ल मार्क्स के जब हमने टॉपिक पढ़ा था तब भी बताई थी ठीक है लेकिन क्या ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट करता है रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है एट द सेम टाइम ही आल्सो आइडेंटिफाइज द फैक्ट दैट इक्वालिटी ऑफ ऑपॉर्चुनिटी जो है ये कॉन्ट्रोडिक्शन है टू द अदर टू इक्वालिटीज क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हो इक्वल इक्वालिटी ऑफ ऑपरचुनिटी लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का दैट मीन्स कुछ कास्ट वगैरह उनको रिजर्वेशन दी जाती है रिजर्व कैटेगरीज में जो आते हैं ठीक है तो उसकी वजह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो उसको ट्रू सेंस में आप नहीं कह सकते हो इक्वालिटी ऑफ अपॉरचुनिटी को आप ट्रू सेंस में अप्लाई नहीं करते हो सोसाइटी में ठीक है तो इन्हें कहा था फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली डिस्क्रिमिनेट्स अदर्स एंड हेंस लीड्स टू इनजस्टिस एज वेल अटैम्प्टे मेड टू मेजर इनक्वालिटीज स्पेशली इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स उसके लिए गिनी कोफिशन को यूज किया जाता है अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो साथ साथ तो ये आपने पढ़ लिया होगा ये इनकम लेवल्स के बेसिस पे जो है इकोनॉमी जो ये है इनक्वालिटी है उसको मेजर करता है इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ये आपके इनकम लेवल्स है यहाँ से ठीक है तो ये आपको क्या बताता है कि जो नाइंटी नाइन परसेंट ऑफ वेल्थ है वो 1 लोगों के पास है, ठीक है? है ठीक तो अगर ये लाइन जो है स्ट्रेट हो जाए ये परफेक्ट इक्वालिटी हो गई परफेक्ट इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन ये लाइन कुछ ऐसे कर्व्ड है ये बताती है कि जैसे जैसे आपकी जो आपका वेल्थ है वो इंक्रीज होता जाता है और उसी हिसाब से वो वेल्थ जो है वो वन परसेंट लोगों के पास आता जाता है ठीक है जैसे अंबानीज के पास कितना पैसा है अडानीज के पास कितना पैसा है तो मेजोरिटी ऑफ पैसा जो एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ वन परसेंट लोगों के पास है सोसाइटी में ये आपको गिनी कोफिशन बताता है जो एक्सेसिव इक्वालिटी है ये हमारे लिए अनडिजायरेबल है ऑब्वियसली कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट हर सोसाइटी में अंदरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड एंटेगनिज्म का एक सोर्स रहा है कॉज रहा है अगर देखो जो सोसाइटीज़ इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होती हैं इनकवालिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर टेंशनस कॉन्फ्लिक्ट फिर कॉन्फ्लिक्ट चाहे किसी भी चीज़ के बेसिस पे हो वो चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अब कंट्रीज क्या करती हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉलो करती हैं ठीक है थीके? जैसे जो रिच है उनको हायर रेट पे टैक्स किया जाए लेस एफ्लुएंट को कम टैक्स uh, कम रेट पे टैक्स किया जाए या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेके आते इंडिया में भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसेशन लोन्स सब्सिडीज फ्री एजुकेशन चीपर मेडिसन एक्सेट्रा यह सारी चीजें जो है सारी कंट्रीज फॉलो करती है और इंडिया में भी सारी चीजें है हाइ रैरकी जो है इट इज ऑल्सो क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिफिकेशन हाई रैरकी क्या हुआ आपने एक ऑर्डर में रैंक कर दिया वन अबाउट द अदर लेयर के ऊपर आपने एक लेयर चढ़ा दी ठीक है और किसी लेयर को आपने आ, सुपीरियर किसी को इन्फीरियर अलग अलग बेसिस पे चाहे वो कास्ट हो या क्लास के बेसिस पे हो वैसे करके रैंक कर दिया तो एक हायर की जो है वो इसमें सोशल स्ट्रक्चर में, में क्रिएट हो जाती है वाई वन व्यू इज दैट इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज हायर आरकी एग्जिस्टेड और मॉडर्न सोसाइटीज में स्टार्टिफिकेशन लेकिन ये इम्पार्शल है पूरा ट्रू नहीं है ठीक जनरली क्या बोला जाता है इन है दे लीड टू एंड लीड्स हायर आरकी जब इन एन ऑर्डर फॉर्म जब लेयर को आप एक एक दूसरे के ऊपर रखो उसको किसी ऑर्डर uh, पे आप रैंक करना शुरू हो जाओ तो आपकी हायर जो है वो सोसाइटी में क्रिएट हो जाती है हायर आयरकी ये भी बताती है कि मल्टीपल स्ट्राटा प्रेजेंट है सोसाइटी में क्योंकि ऑब्वियसली जब अलग लेयर्स होंगी सोसाइटी की तो ही आप उनको अरेंज कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर अगर एक ही लेयर होगी इगैलीटेरियन सोसाइटी होगी तो उसमें आप किसको ऊपर किसको नीचे रखोगे वो चीज पॉसिबल ही नहीं है ठीक है हायर आयरकी कास्ट के बेसिस पे हो सकती है क्लास के बेसिस पे जेंडर पॉलिटिकल तो बहुत सारी बेसिस पे हायर आयरकी जो है हो प्रेजेंट होती है ठीक है मोर एक्सटेंसिव द हा आइरकी हायर इज अ डिफरेंशिएशन इन द सोसाइटी ये भी क्लियर हो गया अब जो फंक्शनलिस्ट है वो बोलेंगे इसको भी कुछ अच्छा ही बोलेंगे इट्स अ राइजिंग स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन इन सोसाइटी की एक निशानी है पोस्ट मॉडर्न आर्ग्यू करते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में भी हायर आरकिज जो है वो प्रेजेंट हैं इनफैक्ट वहाँ पे न्यूमरस हायरिटीज हैं यहाँ भी प्रेजेंट वेस्टर्न सोसाइटीज में चल रही हैं हर आरकी को आप इंटरप्रेट कर सकते हो एज ऑपोजिट ऑफ इक्वालिटी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और वो इसको रिजेक्ट करते हैं हर आर की बेस्ड ऑन स्टेटस को अच्छा नहीं देखा जाता है रूल ऑफ लॉ एंड लॉ इक्वालिटी ऑफ लॉ हैव बिन गिवन इक्वल स्टेटस टू एवरी लेकिन ये सारा ऑन पेपर है अगर आप सोसाइट में देखो जो सोसाइटी में इवेंट्स हो रहे हैं तो हर आर की सोशल इनवालिटी दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ सोसाइटी टिल टूडे ठीक है स्टिल हर एरकी ऑल्सो रिजल्ट इन टू अनुअल अपॉर्चुनिटीज एंड अनिकल रिवॉर्ड्स ये भी क्लियर है जैसे हायर आर्य की होगी जिस लेवल पे आप होगे उस लेवल पे आपको अलग टाइप की रिवॉर्ड्स मिलेंगे और अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो हायर आरकी है कही न, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को भी प्रमोट करेगा जब आप अलग अलग रैंक करोगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी है

इसको वैल्यू न्यूट्रल टर्म्स में भी देखा जा सकता है इन पार्लेंस ऑफ वर्क ऑर्गेइजेशन सिस्टम में हर आरकी जो है वो नेसेसिटी है जैसे ब्यूरोक्रेसी की एग्जाम्पल मैंने ली थी कहीं पे जूनियर्स हैं कहीं पे सीनियर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है ताकि काम जो है वो एक ऑर्गेइज वे में हो सके नो ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विदाउट अ फॉर्मल और इनफॉर्मल हाइर आरकी इन समर्गेनाइजेशन लाइक आर्मी इट इज वेरी टाइट और कुछ में स्टार्टअप्स वगैरह में इट इज वेरी लूज ठीक है तो नेक्स्ट लेट्स स्टॉप इट हेयर टूडे नेक्स्ट में हम पॉवर्टी स्टार्ट करेंगे एंड और एक दो टॉपिक्स पढ़ के विल मूव ऑन टू द दियरीज ऑफ स्टार्टिकेशन आई होप आपको समझ में आया होगा इजी चैप्टर था फाइन so, like, तो डू गि थम्स अप लाइक सब्सक्राइब शेयर विद फ्रेंड्स सपोर्ट करें चैनल को टिल द टाइम आप लोग नेक्स्ट गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बाय